मलेरिया का यानी कि पलवल जो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, पलवल और मेवात दोनों ही एंडेमिक एरियाज में माने जाते हैं, मलेरिया एंडेमिक एरियाज में माने जाते हैं। तो पिछले सालों के कंपैरेटिव देखा जाए तो मलेरिया काफ़ी कम हुआ है पलवल में। तो हम देखे जाए 2015 में देखा जाए तो मलेरिया के पलवल में 2407 केसेस थे, और 2016 में वही 509, 586, और 2018 में 362, 2019 में 182, 2020 में काफ़ी कम लेके आ गए। इसको हम नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि 2030 तक हमें मलेरिया ज़ीरो मलेरिया करना है। तो ज़ीरो मलेरिया केसेस के लिए हमने अभी 2021 में हमारे पास सिर्फ 3 केसेस आए हैं। हमारे मलेरिया वर्कर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में हमारे जो मलेरिया वर्कर्स ने काफ़ी मेहनत करके जो इतना जो 2015 में 407 और 2017 में 586 जैसे हमारे मलेरिया के केसेस आते थे वो अब सिर्फ 3 केसेस रह गए हैं 2021 में। और 2022 में अब तक जो सीज़न स्टार्ट हो जाता है हमारा मार्च में, तो मार्च अप्रैल में अभी तक हमारा कोई पॉजिटिव मलेरिया का केस नहीं आया। तो रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाए? देखो जैसे कि हमारा मलेरिया सीजन शुरू हुआ है, ये इसको एक तरह से बरसातों के साथ और ये ह्यूमिडिटी के साथ जो ये भी लिंक किया जाता है कि इस मौसम में ज़्यादा मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। तो चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, ये सारी मच्छर से होने वाली बीमारियाँ जो है इनके लिए रोकथाम सबके लिए सेम है कि हमें कहीं पानी खड़े नहीं होने देना चाहिए। खुले में पानी अगर कहीं भी खड़ा है तो वहाँ मच्छर एक या दो या तीन दिन में पनपने शुरू कर देते हैं और जो भी आसपास रहते हैं उनको वो काटते हैं और मलेरिया के सिम्टम हो जाते हैं। तो इसके लिए लोगों को यही है कि अगर किसी को भी इस सीज़न में अगर बुखार होता है या उल्टी आने का मन होता है, पेट में दर्द होती है, इस ऐसे ही सिम्टम हो, अगर लक्षण हो किसी को, तो वो डॉक्टर की सलाह से इलाज करवाएं, मलेरिया का टेस्ट करवाएं, डेंगू का टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करवाएं। कुछ मच्छरदानियाँ अभी बांटी जा रही हैं? मच्छरदानियाँ जो है सरकार द्वारा जो है इसी का मच्छरदानियाँ बांटने का कार्यक्रम सरकार द्वारा ही हरियाणा सरकार द्वारा स्टेट से चलाया गया था, जो कि 2020 में उन्होंने हमें मच्छरदानी प्रोवाइड की थी। और जो हमारे ऐसे एरियाज जहाँ पे काफ़ी मलेरिया के केसेज आते हैं जैसे हथीन के एरियाज या सोलरा के एरियाज, इन एरियाज में हमने एंडेमिसिटी के आधार पर डाटा के हिसाब से उन क्षेत्रों में उन गांवों में हमने मच्छरदानियों का बांटी गई थी और सरकार को इसके बारे में सूचित किया था, सरकार द्वारा आई थी और यहाँ से बांटी गई। गंबुजिया फिश के बारे में क्या कहना? हर ज़िले में एक अर्बन मलेरिया स्कीम होती है जिसके अंदर ये जैसे मछलियाँ हैं या अर्बन एरियाज हैं, इसमें मदर फिश हैचरीज गंबुजिया मछली जो होती है जो वो मच्छर के लार्वे को खाती है। मच्छर पहले अंडा बनता है, उसके बाद लार्वा बनता है और उसके बाद वो मच्छर बन के उड़ जाता है। तो जो लार्वा वाली जो स्टेज होती है मच्छर की, अंडे से जो लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से वो एडल्ट मच्छर बनता है, लार्वा की ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम उसको रोक सकते हैं, वो ज़्यादा दिन तक रहती है, तो वो 5 से 7 दिन तक रहती है। तो हम उस स्टेज के लिए गंबुजिया मछली ऐसे बड़े जलाशयों में अगर हम डालते हैं जहाँ पे वो होती है, इसके लार्वे पाए जाते हैं, उन लार्वे को वो मछली खा जाती है। तो हमारे पास मदर फिश हैचरीज है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पलवल में, वहाँ पे हम मछलियों को पालते हैं और वो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट पलवल में जलाशय हैं उनमें वो धीरे धीरे उनको छोड़ा जाता है और इसको एक तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल वो उनको किया जाता है। ये दवाई मच्छर मारने की है जी, टाइमफॉक्स दवाई है, इसको हम पंप के द्वारा नालियों में स्प्रे करते हैं और घर में गलियों में जाते हैं तो वहाँ जो भी लोग हमें घर में मिलते हैं घरों में उनसे बोलते हैं भाई इनमें मिट्टी का तेल डाल दो, अपने कूलर पंखों में कूलर हैं जैसे आपके मटका हैं कहीं पानी का स्टॉक नहीं होना चाहिए और उनमें अपने में हम बोलते हैं उनसे तेल डाल दिया करो थोड़ा बहुत, जैसे लार्वा पैदा नहीं हो जो बढ़ जाए इससे। और नालियों में हम घर घर जाके सब जगह नालियों में भी यही खड्डे हैं वहाँ सब जगह हम दवाई डालते हैं और लोगों को हम समझाते हैं जा जाके घर में। चालान भी किए जाते हैं कुछ? हाँ, चालान हम देते हैं हमारे MPSW। किस तरह से रोकथाम की जाएगी मलेरिया को? मलेरिया की रोकथाम यही सभी गलियों वाले और पूरे जानकारी हम लोगों को देते हैं, मलेरिया आप ही रुक जाएगा जब सभी आदमी जागृत हो जाएंगे। हम हर आदमी को जागृत कर रहे हैं
नालियों में जी तेल डाल दो अपने घर, कहीं थोड़ा बहुत कैंटरा है कोई वैसा खड्डा है उसमें तेल डाल दो, और बाकी तो हम मलेरिया वाले तो हर जगह जा रहे हैं और हर जगह दवाई भी डाल रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं।